हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राइटिंग मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। अब ये क्या है, ये हमारा जब भी कोई डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है, किसी भी लैब में कोई डॉक्यूमेंट आया है, उसको आपको एग्जामिन करना है, उसको एग्जामिन करना है, उसकी सिग्नेचर, उसमें क्या मटेरियल है, आपको एवरीथिंग उसके अंदर एग्जामिन करनी पड़ती है। तो हमें जो उसके अंदर राइटिंग मटेरियल होता है ना, उसको भी एग्जामिन करना होता है, आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है। तो उसमें हमारे जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होते हैं ना, सबसे पहले जो प्राइमरी एग्जामिनेशन हम किसी भी डॉक्यूमेंट की करते हैं, उसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो उसकी जर्नल अपीयरेंस होती है, जर्नल एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कि वो किस इक्विपमेंट से लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें क्या इक्विपमेंट यूज़ किया गया है, पेपर है, पेन है, पेंसिल है, क्या चीज़ है, बैकग्राउंड डिटेल क्या उस पेपर की, ठीक है, बैकग्राउंड डिटेल हम नोट करते हैं। उसके साथ साथ हम उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लेते हैं पूरे डॉक्यूमेंट का, क्या वो डिस्क्रिप्शन है डॉक्यूमेंट में, एंड उसके साथ साथ हम बताएं उस डॉक्यूमेंट की जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करते हैं ना, उसकी अपीयरेंस की भी बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अपीयरेंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती है हमारी, अब आपकी अगर मैं नॉर्मली बात करूँगी, आप अपने अपीयरेंस देखते हो तो आपने अच्छे से वेल ड्रेसअप हो, ठीक है। अब आप सुबह सुबह क्लास लेने लग गए यूट्यूब पे, तो क्या आप नहाते भी नहीं हो, नहीं हो, नॉर्मल हो बिल्कुल, आपने ना मुंह धोया है, ना आपके बाल वाल बिखरे हुए हैं, तो वो आपकी जनरल अपीयरेंस आती है। कई बार आप कितने वेल मैनर्स होते हो, कई बार आप नॉर्मली कहीं भी उठ के चल जाते हो, तो वो चीज़ हमें किसी पेपर की अपीयरेंस देखनी पड़ती है, ठीक है। अब अपीयरेंस में आपको उसके फोल्ड देखना पड़ेगा, फोल्ड तो नहीं है, इरेजर तो इसमें यूज़ नहीं हुई है, उसके अंदर से कोई स्मेल तो नहीं आ रही है, ओडर। अब आपको किसी क्राइम सीन पे कोई पेपर मिला है, ठीक है, तो उसमें क्या वोमिट वगैरह भी गिरी हुई होती है, तो उसके ओडर स्मेल वगैरह देखनी पड़ती है। इंप्रेशन, उसके ऊपर कोई इंप्रेशन तो नहीं है, कोई मतलब आपने इतनी सारी लैक से हमारी वो इंप्रेशन आता है, ठीक है, इरेजर का, प्लांटिक का, टाइपराइटर का, टाइपस्क्रिप्ट का, वाटर का, वायर मार्क का, ये जो इंप्रेशन है, ये इंप्रेशन भी हमें देखने पड़ते हैं उस पेपर के ऊपर, ठीक है। अब इंप्रेशन के साथ साथ आपको उसका सरफेस भी देखना है, ठीक है, वो लाल कलर का है, येलो कलर का है, ब्लैक कलर का, बहुत पुराना एंशियंट टाइम का कोई पेपर तो नहीं है जिसके आपको एग्जामिन करनी है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है आपको। एक्सटर्नल जो अपीयरेंस होती है, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर आपको देखना है अनयूजुअल पेन ड्रॉप तो नहीं है, लाइक आपका ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट पे क्या है, एक मटेरियल लिखा हुआ है, अब यहाँ पे कोई अलग कलर से या कुछ और मार्क तो नहीं है, यहाँ पे कोई स्टार बना हुआ है, यहाँ पे कोई डॉट एक्स्ट्रा है, कोई अगर टाइप स्क्रिप्ट आपने प्रिंटर से लिया है तो वहाँ पे अलग अलग डॉट डॉट टाइप की चीज़ तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। इरेजर टाइप देखनी पड़ती है, कौन सी चीज़ से इरेज कर रखा है, डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या है, ठीक है, उसका साइज, शेप पेपर की, ट्रायंगल शेप में है, सर्कुलर शेप में है, नॉर्मल रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई पंचिंग होल तो नहीं है, परफोरेशन जो होते हैं ना, हमारा पूरा छेद तो नहीं है, ठीक है, और इसके अंदर कोई भी होल, टीयर मार्क, यहाँ से किसी ने फाड़ रखा है, यहाँ से कटा हुआ है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें नॉर्मली अपीयरेंस में देखनी पड़ती है, ठीक है। अब राइटिंग मटेरियल जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो सबसे पहले जो हमें मटेरियल देखना पड़ता है, वो आपको पेपर देखना पड़ता है, ठीक है। अब पेपर में आपको क्या देखना पड़ता है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर जो होता है, तो उसको ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने आती है कभी भी कोई पेपर आता है, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम को वो कैसे सोल्व करता है, अब आपके पास कोई पेपर आया, ठीक है, तो आपको वो मैच करना है कि हाँ ये इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आपको बैंक से कोई स्टेटमेंट आई है, ठीक है, आपने लोन नहीं भरा, आपके ऊपर टैक्स का कोई पेपर आया है, ठीक है, या फिर क्या किसी फ्रॉडुलेंट पर्सन ने भेजा, किसी ने भेजा, आपके ऊपर टैक्स का भेज दिया, लाखों का रुपए का, ठीक है, लैक्स में आपको भेज दिया कि आपने इतना टैक्स नहीं भरा है, तो फर्दर क्या होता है आपके साथ कि आप उसको भाई आपके पास लाखों का टैक्स कैसे आ सकता है, तो आप बैंक जाते हो, बैंक जाके देखते हो बैंक से वो पेपर इशू ही नहीं हुआ, ठीक है, बैंक ने उसको इशू ही नहीं किया, तो अब क्या है, वो पेपर क्या है, कहाँ से आया, क्या उसका ओरिजिन है, उसके लिए फिर वो केस फाइल करता है पर्सन। जब वो केस फाइल होता है ना, तो फर्दर वो चीज़ जाती है हमारी डॉक्यूमेंट जो एक्सपर्ट होते हैं उनके पास। अब उनके पास क्या प्रॉब्लम आई है कि वो पेपर की आइडेंटिफिकेशन करना, उस पेपर का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन पता चलेगा जब भी, तो पता चलेगा किसने आपके साथ वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करी है, ठीक है। कई बार एक और एग्जाम्पल ले लो, आपने कहीं का बिल पे कर दिया या आपने रेंट वगैरह का पे कर दिया, आपको वहाँ से क्या नाम है, बिलिंग मिल गई, अब बिलिंग मिल गई उसके बाद वो पर्सन दोबारा से आपसे पैसे मांग रहा है, तो आप उसको बिलिंग को कैसे चेक करोगे, उसी पर्सन के पेपर से मैच करोगे ना, तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड सैंपल लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड सैंपल क्या होते हैं, स्टैंडर्ड सैंपल वो होते हैं कि आपको जिससे मैच करना है वो पर्सन से लेने पड़ते हैं, तो इसमें मिनिमम कहते हैं कि एटलीस्ट 5
पेजेस सेम आपको लेने पड़ेंगे, जिससे आपको इसकी ऑथेंटिसिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड सैंपल हमारे सबमिट होते हैं तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती है, इस पेपर का हमें क्या है, केमिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, केमिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन हमें करना पड़ता है। तो ये दो अगर हम इस पेपर का करेंगे और इन पांच जो हमारे स्टैंडर्ड सैंपल है इनका करेंगे, तो इनकी जो केमिकल कंपोजिशन होता है, फिजिकल प्रोसेस जो भी हम इसका करेंगे, तो अगर सेम होगा तो वो उसके कुछ आइडेंटिफाई कर देगा करेक्टर्स। ठीक है, उसके करेक्टर सेम निकल जाएंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ इसका ये ओरिजिन है, और अगर मैच नहीं होते तो वो उसका ओरिजिन नहीं होता। तो एक्सपर्ट को इससे ना डिस्टिंग्विश करने में बहुत इजी होता है। तो लेबोरेटरी के अंदर हमारे क्या एग्जामिनेशन करते हैं हम, ठीक है, लेबोरेटरी की जब बात आती है तो हम इसके अंदर क्या एग्जामिनेशन करते हैं, तो इसके अंदर हम पहले तो कलर, पेपर का जो कलर है वो सेम है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसका सरफेस, कैसा सरफेस है उसका, रफ तो नहीं है, उसके अंदर कोई वाटर मार्क तो नहीं है। ठीक है, वाटर मार्क है और सेम है तो वो अच्छा है, कई बार कोई फोर्ज कर लेता है, सेम ही डॉक्यूमेंट बना लिया और उस पर्सन के क्या नाम है केस कर दिया, और दूसरा बिलिंग वगैरह का, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताती हूँ, किसी पर्सन को बिल, अभी मैं बिल की बात कर रही हूँ, तो बिल दे दिया, उसको बिल दे दिया, ठीक है, उसे अगर उसी का दिया तो सेम, और पर्सन भी अंधा नहीं होता तो वो देख लेता है कि हाँ इसी का बिल है तो वो रख लेता है, और बाद में वही केस कर रहा है तो उसके अंदर कोई वाटर मार्क वगैरह होंगे तो वो सेम होंगे। बट अगर वो पेपर फोर्ज होगा, वो बंदे ने कहीं से फोर्जरी करवाई होगी कि नहीं मैंने तो बना लिया ये बिल मैं दिखा दूंगा, तो क्या होगा, उससे ईजिली पता चल जाएगा कि ये वाटर मार्क वो सेम नहीं है, क्योंकि हर बार अगर कुछ भी चीज़ नई चीज़ करते हैं तो उसमें थोड़े से माइन्यूट चेंजेस आपको देखने मिलते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, जो हमारी हैंडराइटिंग होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, कुछ भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस मैन्युफैक्चर में थोड़े बहुत है ना माइन्यूट से माइन्यूट चेंजेस आते हैं। अब अगर शू प्रिंट की मैं बात करूँगी तो शूज़ जो बनते हैं हमारे सब सेम नहीं होते, उसमें थोड़े थोड़े मशीन के थ्रू से भी उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो ऐसे ही हमारे वाटर मार्क के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उसके अंदर ये वाटर मार्क वगैरह देखना पड़ेगा। उस पेपर का वेट क्या है, अब इसका जो बना है ये अगर फोर्ज है, ठीक है, फोर्स है तो ये क्या होगा, इसका वेट हैवी होगा या लाइट होगा, इसके कंपैरिजन में थोड़ा थोड़ा फर्क भी पड़ सकता है। इसकी थिकनेस में डिफरेंस होगा, थिकनेस अलग होगी। इसको हम यूवी और माइक्रोकेमिकल टेस्ट भी करते हैं, यूवी लाइट से भी देखेंगे, माइक्रोकेमिकल टेस्ट भी देखेंगे। तो ऐसे से बहुत सारे टेस्ट हम करते हैं पेपर की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है राइटिंग मटेरियल को आइडेंटिफिकेशन करने में, हम पेपर को करते हैं। ठीक है, अब हमने पेपर को आइडेंटिफाई कर लिया तो अब इसके ऊपर अब आते हैं इसके ऊपर जो इक्विपमेंट, ठीक है, किस इक्विपमेंट से इसको लिखा गया है। ठीक है, इक्विपमेंट के लिए मैंने बोला था आपको पेन होता है, ठीक है, पेंसिल होती है, अदर ऑब्जेक्ट भी होते हैं, मार्कर हो गया, कलर हो गया कोई, ठीक है, एटसेट्रा। तो सोन हम कोई भी मटेरियल होता है ना उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन होती है पेन की होती है, तो ये क्या होता है, जो हमारा पेन होता है ना, पेन है ना आज के टाइम में थाउजेंड्स लैक्स मतलब कितनी सारी हमारी कंपनियां हैं, तो इसमें क्या देखा जाता है, ये एब्सोल्यूट नहीं आता हमारा, इसमें पॉसिबिलिटी मतलब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, करेक्टरिस्टिक हम नहीं निकाल पाते, क्योंकि बहुत सारे पेन वगैरह, अगर एक पर्सन ने, अगर मैंने इस पेन से लिखा है, ठीक है, मैं कलर चेंज करती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख लिया कॉपी, ठीक है, अब मैंने यहाँ भी कॉपी लिख ली, तो इसमें ना आपको इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, एक तरह से डुप्लीकेट ही लगेगा इसका पेन वगैरह जो होता है। ठीक है, तो इसके नॉर्मली जनरल लाइन करेक्टर वगैरह होते हैं वही हम रिलेट कर पाते हैं पेन के, ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है। बट उसके साथ साथ हमारे कुछ केमिकल्स भी होते हैं, अगर कुछ हमारे यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन की अगर मैं बात करूँगी, तो बॉल पॉइंट पेन क्या होता है, सिंगल राउंडेड लाइन होती है, ठीक है, सिंगल राउंडेड। तो बॉल पॉइंट पेन हमारा क्या हो, कैसा होता है, पहले तो ये देखो, ये है ना राउंडेड होता है, सिंगल राउंडेड, इसके आगे से आपको राउंडेड टिप देखने को मिलती है, ठीक है, राउंडेड टिप देखने को मिलती है। तो ये क्या करता है, ये जैसे हमारा जेल पेन होता है, जेल पेन की निब ऐसे होती है, ठीक है, मतलब ये बीच से कटी हुई होती है, एक यहाँ से होगा, ये यहाँ से होगा, बीच से कटी होती है, ये जब लिखते हैं तो ये सेपरेट हो जाते हैं, पर ये राउंडेड होने की वजह से सेपरेट नहीं होता। ठीक है, अगर इसको आप प्रेस भी डालोगे ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर से भी लिख लोगे तो भी ये मतलब सेपरेशन आपको नहीं शो करेगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा बॉल पॉइंट पेन होता है इसके अंदर जो इंक यूज़ होती है ना वो हमारी लिक्विड में नहीं होती, ट्रू लिक्विड नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से ये फ्लो नहीं करेगा और ये ट्रू लिक्विड नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, ये स्प्रेड हो जाता है सेम वे में, जैसे लिक्विड वाली फ्लूड स्प्रेड होती है ना पेपर में, वैसे ही। अब ये कैसे होता है, जैसे आप कोई पेपर देखते हो, पेपर कैसा मटेरियल है हमारा, पोरस सरफेस हमारे पेपर का होता है। पोरस सरफेस कैसे है,
पोरस सरफेस हमारा ऐसे ही ये एब्जॉर्ब करता है, अब एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको स्प्रेड कर देता है। और आज के टाइम में क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे फाइबर फेल्ट टिप वाले पैन अपेयर हो चुके हैं मार्केट में, जिससे क्या है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट को हम इसके थ्रू हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जो हमारे राइटिंग स्ट्रोक वगैरह हैं उनके थ्रू हम इसको डिस्टिंग्विश ईजिली कर देते हैं। इसके बाद हमारा आता है फाउंटेन पेन। हम इसमें कॉमनली जो पेन यूज़ होते हैं ना उन पेन्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद इनके अदर भी पार्ट होते हैं तो पेन्स वगैरह हमारे इजीली ख़त्म नहीं होते। तो फाउंटेन पेन क्या होते हैं, ये ना मोर और लेस राउंडेड होते हैं। तो आपको थोड़ा सा लेस राउंडेड दिखेंगे, कई बार आपको राउंड पॉइंट ज़्यादा भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसके अंदर जब आप प्रेशर करोगे, प्रेशर इंक्रीज़ करते हो, ठीक है, अभी जैसे हमारी ये निब है, ये राउंड तो आपको दिख रही है पर यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा कट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, ऐसे ये आपको कट देखने को मिल जाएगा थोड़ा सा, और ये राउंड भी देखने को मिल रहा है। अब ये क्या है, आपकी निब है पूरी की पूरी, ठीक है, ये आपकी निब है। जब आप इसके ऊपर प्रेशर करोगे, प्रेशर डालोगे ना, प्रेशर डालने से क्या होगा, ये सेपरेशन शो करेगी, सेपरेशन शो कर देगी, निब मार्क इसमें आपको ईजिली दिखेगा। कई बार आप लिखते हो तो क्या दिखता है आपको कि आप सेम एक लाइन आप खींच रहे हो पर वो आपको सेपरेशन होती हुई ऐसे जाती हुई दिखती है। जेल पेन से आप लिख के देखना और प्रेशर के साथ, तो ये हम इसको इजिली डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये कौन सा वाला पेन हो सकता है, बॉल पॉइंट है या हमारा फाउंटेन पेन है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक स्टील पेन आता है। स्टील पेन्स क्या होते हैं, ये भी हमारे डिस्टिंग्विश हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर शार्प कट लाइन होती है, ठीक है, शार्प कट लाइन आपको देखने को मिल जाती है और इसमें आपको इंडेंटेशन भी देखने को मिलती है, साइड में एक अलग से इंडेंटेशन मार्क आपको बनता हुआ दिखता है इसके एजेस पे, ठीक है, जब भी आप लाइन वगैरह कुछ हुए हैं, और इसमें आपको स्क्रैचेस भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, स्क्रैच बहुत क्लियरली अपेयरेंस आपको इसके अंदर स्क्रैचेस की देखने को मिलती है। अब इसके बाद स्टील पेन के बाद हमारी आ जाते हैं लेड। लेड कहाँ, हमारी पेंसिल में होता है, ग्रेफाइट की जो हमारी पेंसिल होती है, तो लेड का क्या होता है, ये हमारा बेसिकली पेंसिल के अंदर होता है, ठीक है। अब पेंसिल के अंदर इसका जो कंपोजिशन मिक्सचर होता है ना, ये हमारा ग्रेफाइट होता है, ठीक है, ग्रेफाइट प्लस क्ले। अगर किसी में क्ले ज़्यादा है तो वो हार्ड पेंसिल होती है, ठीक है, जो कि हमारा एक तरह से बाइंडर बन के ये हमारा काम करता है। तो हमारी मार्केट में क्या है, सॉफ्ट पेंसिल होती है और हार्ड पेंसिल होती है, ठीक है, दो तरह की हमारी पेंसिल देखने को मिलती है, सॉफ्ट एंड हार्ड। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, जो हमारी सॉफ्ट पेंसिल होती है उसमें आपको ज़्यादा प्रपोर्शन किसका देखने को मिलता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपको उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और जो हमारी हार्ड पेंसिल होती है ना उसमें आपको क्ले का कंपोजिशन ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये जो अगर इक्वल है तो बहुत अच्छी हम पेंसिल मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टिंग्विश कर सकता है, तो ये कॉपी करते हैं ना हम जब पेंसिल के कंटेन मटेरियल को, हम उसको भी डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो हमारी पेंसिल वगैरह होती है, कलर वगैरह जिसमें होती है, कलर पेंसिल जो आते हैं उसमें एनिलिन डाई यूज़ होती है, अलग अलग तरह के डाई भी यूज़ होती है, तो एनिलिन जो हमारे एनिलिन डाई होते हैं वो इम्पार्ट करते हैं कलर को किसी ही पेंसिल के अंदर। तो ये हमारा जो हमारे पेन पेंसिल उसके बारे में था, ठीक है। अब हमारी आ जाती है यहाँ पे इंक की बात। अब इंक को कैसे कर रहे हो, अब इनसे आपने ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट, ये आपने इंस्ट्रूमेंट ही तो देखा है, पेंसिल का इंस्ट्रूमेंट हो गया, पेन का हो गया, अब इसके बाद हम आ जाते हैं इंक, क्योंकि इंक भी तो होती है, कलर आ रहा है, रेड कलर का पेन है, ब्लू कलर का पेन है, तो इसके इंक की कंपोजिशन भी तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर किसी ने सिग्नेचर किया है, ठीक है, एक ने ये मटेरियल लिखा है, ठीक है, यहाँ पे किसी ने मटेरियल लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, जो भी उसने काम का लिखा कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, हाँ मैं मर गया हूँ, मेरे मरने का जिम्मेदार ये है, ठीक है, ये है, उसने क्या करा, ये है, ये नहीं है, नहीं, उसके अंदर नहीं ऐड कर दिया, उसके अंदर ऑल्ट्रेशन, आई डोंट नो यार, वीडियो पोज हो गई थी तो मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से, तो मैं आपको इंक दोबारा से बता दूँ। तो जैसे मैंने बताया था, लेड का बताया था, पेंसिल ग्रेफाइट प्लस क्ले से होता है, अगर पेंसिल का क्या होता है, सॉफ्ट और हार्ड हमारी होती है, ग्रेफाइट की मात्रा अगर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है वो सॉफ्ट होती है, और अगर क्ले की मात्रा आपको ज़्यादा देखने को मिलती है तो वो आपकी हार्ड पेंसिल होती है। तो ग्रेफाइट प्लस क्ले, और अगर आपको कलरफुल पेंसिल बनाते हैं तो एनिलिन डाई होती है। इसके बाद जो हमारी इंक होती है, अब आपने इतने सारे पेन वगैरह देखे तो अब इसमें आपको इंक भी तो देखनी पड़ेगी ना, अलग अलग कलर के आते हैं, तो एक हमारी इंडियन इंक होती है, एक हमारे होते हैं आयरन गैलोटेनिट इंक होती है, तीसरी हमारी डायस्टफ होती है, चौथी हमारी वोल पेन इंक होती है। अब इंडियन इंक क्या होती है, कार्बन सस्पेंशन देखने को मिलता है वाटर के अंदर, आयरन गैलोटेनिट इंक क्या होते हैं, जो कि हमारी फाउंटेन जो पेन होते हैं ना उनके अंदर होते हैं, जिसमें टैनिक एसिड गैलिक एसिड होता है जो कि हमारे वुड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उसके अंदर कोई भी कलर अगर उसको देना है तो उसके लिए हम डाई उसके अंदर ऐड कर देते हैं, और उसके अंदर फेरस सैलेट जो फेरस का सोल्ट होता है उसको मिक्स किया जाता है कि वो कलरलेस लिक्विड होता है, जिससे वो डाई हमारी सूख जाती है, ठीक है। अब हमें इंक क्यों पढ़ना होता है, जैसे ये हमारे डॉक्यूमेंट में किसी ने सुसाइड नोट लिखा है,
ठीक है। अब किसी ने सुसाइड नोट लिख लिया तो उस नोट में क्या है, उसे रेड पेन से लिखा है, उसने कहा इसकी वजह से मैं जान ले रही हूँ अपनी, उसने इसकी वजह से मैं जान नहीं ले रही हूँ, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसमें नहीं किसी ने ऐड कर दिया, रेड से लिखा हुआ है, रेड कलर से ऐड कर दिया, तो हम क्या है बाद में इसका जो हम कंपोजिशन वगैरह देख के बता सकते हैं कि दूसरी इंक से है या हमारी दूसरी, क्योंकि थोड़ा बहुत हम माइक्रोस्कोप वगैरह में देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि दूसरी इंक है, तो उसकी और पॉसिबिलिटीज़ को हाई करने के लिए हमें इंक को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है डाई स्टफ। डाई स्टफ क्या होता है, हमारी एक सिंगल डाई होती है और एक मिक्सचर ऑफ डाई, हम इनका मिक्स कर लेते हैं और ये वॉशेबल होती है, ये परमानेंट नहीं होती, ठीक है, ये परमानेंट डाई नहीं होती हमारी। इसके बाद बॉल पेन इंक आती है जिसमें हमारा डाई होती है, और जो बॉल पेन इंक होती है ना उसमें बेसिकली आपको ग्लाइकोल बेस्ड इंक आपको देखने को मिलती है, ये हमारी वेरी वेरी कॉमन है, ठीक है, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, जो बॉल पेन के लिए यूज़ होते हैं ना उसमें डाई और हमारे ग्लाइकोल बेस्ड, तो ये हमारे पूरे पूरे आपने इक्विपमेंट देख लिए। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ इंक के, आप कंपैरिजन कैसे करोगे, अब आप जैसे मैंने आपको केस बता दिया एक, तो आपको क्या बताया दो डॉक्यूमेंट आते हैं, ठीक है, आपके दो डॉक्यूमेंट हैं लैब के अंदर आए हैं, अब दो डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ रिटर्न है, ठीक है, विद द सेम टाइप ऑफ इंक, ठीक है, यहाँ पे आपने रेड कलर से लिखा हुआ है, इस वाले डॉक्यूमेंट में भी रेड कलर से लिखा हुआ है, तो सेम उससे लिखा हुआ है ना इजिली, तो आप क्या करोगे इसका फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स देखोगे जो आपके पास अवेलेबल है, पहले आप डॉक्यूमेंट के अपेयरेंस वगैरह देखोगे, आप सारी चीज़ें, फिर आप इसकी इंक को थोड़ा सा लोगे, इसकी भी इंक को थोड़ा सा पंच आउट करोगे, जिसे आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं ना, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आपने अपने करा होगा कॉलेज टाइम पे, और स्कूल में भी आपने थोड़ा बहुत करा होगा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो उसमें उसको लगा देता है, तो वो अगर जैसे ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जितना वो ऊपर चढ़ जाता है अगर बराबर इक्वल लेवल पे चढ़ गया तो क्या है दोनों की सेम इंक है, तो हम ये चीज़ देख लेते हैं, ठीक है, इससे हम इंक कंपेरिजन कर सकते हैं पर्टिकुलरली जो इंक है, उसके साथ साथ हम इसके अंदर डाई वगैरह है उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, उसके लिए भी अलग अलग हमारे चीज़ें आती हैं, कंपोनेंट होते हैं जिसको हम डिस्टिंग्विश डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो हम डिफरेंट टाइप का कंपोजिशन होता है जो हमें प्रोवाइड करता है मैनी पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन अ नोन एंड अ क्वेश्चन इंक, ठीक है, जो नोन है हमें जो पता है और जो क्वेश्चन इंक है, और इसके साथ आपको पेन भी मिला हुआ है तो आप पेन को भी हाँ इसी से लिखा है नहीं ये सेम हो रहा है इससे बट ये नहीं हो रहा, तो इससे आप बता सकते हो कि हाँ ये इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कितनी नहीं है, तो हम ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो दोस्तों मुझे नहीं पता आज की क्लास में हमारा क्या मिस हुआ क्या नहीं हुआ, अगर आपको कुछ मिस लगे कि मैम आपने यहाँ से एकदम से यहाँ जंप कर दिया तो आप को बता सकते हैं, हम उस पर और ज़्यादा पढ़ लेंगे, पर फिर भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस वाली क्लास का, यहाँ तक तो आई थिंक जो मैंने ये बता दिया था, पर फिर भी राइटिंग मटेरियल होता है हमारा, उसकी अपेयरेंस वगैरह हमें चेक करनी पड़ती है, फिजिकल अपेयरेंस देखनी पड़ती है, ये हमारी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर आ जाती है, ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हमने इक्विपमेंट देखा, इक्विपमेंट मैंने अभी बताया पेपर पेन पेंसिल इंक हमारी होता है, उसके हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन अपेयरेंस पेपर में से कोई स्मेल है ऑर्डर है, ये आपको फिजिकली खुद से करना पड़ता है, इसके लिए कोई टेस्टेस वगैरह नहीं होते, खुद से सुन के देखो कैसे पंजेंट स्मेल आ रही है कैसी आ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या क्या देखने को मिली थी पेपर के लिए, जो मैंने आपको एक केस बताया था कि फोर्ज डॉक्यूमेंट है कोई बिलिंग वगैरह है उसके थ्रू अगर आ रहे हैं तो हम उस डॉक्यूमेंट को देखते हैं, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड सैंपल से उसको मैच करके देखते हैं, उसके लैब के अंदर केमिकल फिजिकल कंपोजिशन करते हैं, उसका माइक्रो टेस्ट करते हैं, यूवी टेस्ट करते हैं, थिकनेस वाटरमार्क कलर सरफेस हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, मैच हो जाते हैं तो सेम पेपर है, ठीक है। उसके बाद इक्विपमेंट हमारे क्या क्या होते हैं, जो कि पेन पेंसिल मार्कर कॉपी ये सब होते हैं, अब पेन के अंदर आपको देखते हैं बॉल पॉइंट पेन होता है जो राउंडेड होता है, प्रेस करने के बाद भी वो सेपरेट नहीं होता, उसकी जो इंक होती है वो लिक्विड नहीं होती, और लिक्विड ना होने की वजह से भी वो फ्लो कर लेती है ईजिली, तो वो कैसे कर लेते हैं क्योंकि हमारा सरफेस जो होता है ना पेपर का वो पोरस होता है क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके बाद हमारा फाउंटेन पेन होता है, लेस राउंडेड पेन होते हैं ये, लेस राउंड पॉइंटेड होते हैं और मोर भी आपको कई बार देखने को मिलता है, अगर आप उसको प्रेस करोगे तो उससे आपको सेपरेशन हो जाए, निब मार्क आपको इजीली डिटेक्ट हो जाता है, ये हमारे फाउंटेन है। इसके बाद स्टील पेन होते हैं, शार्प कट लाइन होती है, इंडेंटेशन और स्क्रैचिंग आपको देखने को मिल जाती है। देन हमारे लेड पेंसिल ग्रेफाइट क्ले सॉफ्ट हार्ड होते हैं, ग्रेफाइट अगर ज़्यादा है तो सॉफ्ट पेंसिल होते हैं, इससे आप इजीली लिख लेते हो, कई बार उससे लिखा भी नहीं जाता, और कई बार जितनी हार्ड होती है आप शार्प करते रहते हो वो टूटती रहती है, जिसके अंदर क्ले की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो अगर ये कंपोजिशन इक्वली होता है तो हमारी पेंसिल बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये इनका मैंने आपको यहाँ से आपको दोबारा से बता दिया था, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हो, क्लियर हो गई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू, ओके, हम मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।